नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2017 जो कि संपन्न हुई थी तथा जिन लोगों का भी चयन हुआ है उनके दस्तावेज परीक्षण की जो तिथि है वो आ गई है। दोस्तों, दस्तावेज का जो परीक्षण होना है वो आपके अपने ज़िले में कार्यालय कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। जैसा कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश का जो लेटर है वो आज 14 मई 2018 को जारी किया गया, जिसमें कि समस्त कलेक्टर जो कि मध्य प्रदेश के समस्त ज़िले हैं 51, उनके कलेक्टरों को यह आश्वासन एवं आदेश दिया गया है कि आपको अपने स्तर पर जो भी कैंडिडेट आपके ज़िले से चयनित हुए हैं उनको आपको बताना है कि किस स्थान पर और किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि पत्र में दर्शाया गया है कि जिन लोगों ने भी जो प्रशिक्षण दिया गया था वेरिफिकेशन के संबंध में पूर्ण कर लिया गया, तो 26 मई 2018 को इसकी जो तिथि है वो निर्धारित की गई है, जिसका जो टाइम है सुबह 10 बजे से जारी किया गया है, जो कि कार्यालय कलेक्टर द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें ये निर्देशित दिए गए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, जैसे कि आपको स्नातक उपाधि अर्थात ग्रेजुएशन मार्कशीट, आपको एक कंप्यूटर यदि आपके पास सर्टिफिकेट कोई है CPCT संबंधित तो वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जो कि इसके लिए लगेगी, साथ में मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसमें जिस ज़िले के हैं आप उस ज़िले से संबंधित आपका होना चाहिए, साथ में जिस ज़िले में आपका चयन हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है आपका चयन क्योंकि दूसरे ज़िले में भी हो गया तो आप जिस ज़िले के निवास रहते हैं उसका आपको डोमिसाइल प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ में निःशक्त जनों के हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसमें कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी होना चाहिए। साथ में भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण पत्र और एक शपथ प्रमाण पत्र जो कि वेबसाइट landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध किया गया। तो ये शपथ पत्र का एक प्रारूप है जो कि आपको भर कर इस पर नोटरी करवा लेना है और सबमिट कर देना। तो उपयुक्त जो दस्तावेज हैं वो आपको 26 मई 2018 को कार्यालय कलेक्टर के द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे, अपने स्तर पर वो आपको सूचित कर देंगे। साथ में आपको एक लेटर भी भेज दिया जाएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित विस्तृत जो नियम हैं और जो प्रोसेस है आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी तैयार रहें, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो अभी आप उसी के लिए तैयार हो जाएं। तो आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।